अब हम डायनामिक एरे की एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एलिमेंट को पुश करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे पॉप करके। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। डायनामिक एरे आप ऐसे ही बनाएंगे, ARR1 आपने लिखा और हमारे पास दोनों ही तरीक़ेकार मौजूद हैं। इस वक्त मैं डायरेक्टली इनिशलाइज कर रहा हूँ, ये किया, फंक्शन बनाया एक, अब इस फंक्शन में आकर मैं ARR1.push कॉल करता हूँ। अगर ये पुश ना लिखा हो और मैं सेकेंड इंडेक्स एक्सेस करूँगा, ये है इंडेक्स 0 और ये है इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 2 तो मौजूद नहीं है। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर आ गया हमारे पास कि एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। वजह इसकी ये है कि आप ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करें जो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं पुश कॉल कर दूं, अब हम इसको देखते हैं, अब कोई एरर नहीं आया और आप वैल्यूज देखेंगे तो आपको 67 रिटर्न हो गया। इसका मतलब ये कि आपके पास वो जो एलिमेंट पुश हुआ था इसने आपकी एरे को इंक्रीज कर दिया, एडिशनल एलिमेंट ऐड कर दिया, तो आप सेकेंड इंडेक्स अवेलेबल है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अगली लाइन में आके आपने कहा ARR1.length इक्वल्स टू 12। अब आपने अपने एरे की लेंथ को इंक्रीज कर दिया है, 12 कर दिया है। और अगर मैं इंडेक्स नंबर 10 को एक्सेस करूँगा तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स, तमाम इंडेक्स पे लेंथ इंक्रीज हुई है तो तमाम इंडेक्स पे 0 वैल्यू स्टोर हो जाती है। इसी के साथ अगर मैं इस वक्त हम चेक कर लेते हैं ARR.length क्या है हमारे एरे की, रिटर्न करवा देते हैं ताकि हमें नज़र आए। और क्योंकि ये uint है लेंथ, तो आपको यहाँ पे uint रिटर्न टाइप में देना पड़ेगा। आपकी एरे की लेंथ 12 है। अगर मैं इस लेंथ को इंक्रीज तो मैंने कर दिया है, अब अगर मैं यहाँ पर पॉप कॉल करूँ ARR1.pop, यानी कि एक एलिमेंट रिमूव कर दो, उसके बाद मैं लेंथ चेक करूँगा तो क्या होगा? यानी कि आपकी एरे से एक एलिमेंट रिमूव हो गया। हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि आपकी ये एरे मौजूद है, इसमें आपने चार एलिमेंट मौजूद थे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, पॉप कर रहे हैं। अब अगर मैं ARR1 पे थर्ड इंडेक्स, इसका मतलब 0, 1, 2 एंड 3 पर 78 है, थर्ड इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ARR pop कॉल कर चुका हूँ। पॉप का मतलब ये कि जो लास्ट 78 है इसको रिमूव कर दो। अब आपकी एरे की लेंथ चेंज हो चुकी है। अगर मैं इसको कॉल करूँगा, एक्सेस करूँगा,
एरर आ रहा है इसलिए कि डेटा टाइप हमने चेंज नहीं की। लेंथ की डेटा टाइप यू इंट है, लेंथ जो रिटर्न करता है वो यू इंट की वैल्यू रिटर्न करता है, इस वजह से हमें यू इंट करना पड़ा था। अब एरे हमारी इंट की है, हम इसे इन में चेंज करके फिर से डिप्लॉय करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपके कोड पहले से डिप्लॉय हुआ था कंपाइल होकर और अगर अगली बार आपने कोई चेंज किया और कंपाइलेशन में कोई एरर आ गया है तो वो डिप्लॉय पिछली स्टेट कर देता है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपका कोड आप डिप्लॉय हो गया चला नहीं है। तो ये ज़रूरी है आप ध्यान रखें कि आपका कोड कंपाइल हो गया हो, कोई एरर ना हो। ये देखिए अब आपके पास एरर आ गया कि आपकी ट्रांजैक्शन में डेटा एक्सेस नहीं हो सकता, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट के अंदर डेटा पुश कर सकते हैं, एरे में पॉप कर सकते हैं, लेंथ को की प्रॉपर्टी के थ्रू भी एरे का साइज इंक्रीज करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लेंथ की प्रॉपर्टी को एरे का साइज इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो एरे का साइज डिक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे रिमूव करते हैं, हमारी एरे में चार एलिमेंट मौजूद हैं, इसका मतलब 0, 1, 2 एंड 3 तीन इंडेक्सेस मौजूद हैं। इस लाइन पे आके मैंने कहा arr.length इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एरे का साइज रिड्यूस कर रहे हैं। डायनेमिक एरे है तो आप एरे की पूरी की पूरी एरे, अगर आपके एरे में 100 एलिमेंट हैं और आप लेंथ 2 कर देंगे तो सारे के सारे एलिमेंट ज़ाया हो जाएंगे, वो फिर रिकवर नहीं हो सकते अगर डेटा आपका लॉस हो जाए तो। और फिर इसके बाद में इंडेक्स नंबर 3 यानी कि 0, 1, 2, 3 थर्ड इंडेक्स पे 78, अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ये देखें एरर आ गया, यानी कि वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। इंडेक्स 2 करूँगा वो भी नहीं होगा क्योंकि 2 लेंथ कर दिए तो 0 एंड 1 मौजूद है, 2 मौजूद नहीं है। तो 1 को एक्सेस करूँगा वो मुझे मिल जाएगा। वन इंडेक्स पे आपको 45 मिल गया है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, एरे की लेंथ देख लेते हैं, हालांकि हमने खुद ही अपडेट की है लेकिन फिर भी अब इसको चेक कर सकते हैं कि लेंथ क्या हुई है। इसमें आप ये देखिए एरे की लेंथ 2, इससे ये होगा कि आप एरे को डायरेक्टली तमाम एलिमेंट्स, तो अगर आप लेंथ करेंगे जो भी आप लेंथ लिखेंगे पहले इंडेक्स से लेकर उस लेंथ तक डेटा रह जाएगा, बाकी एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे।